अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आपकी दुआओं से, अल्लाह का फजल करम से जो है ना, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर जो है ना, मतलब उसी व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, कि जो है हमारे यहाँ जो रस्में हुई उसके बाद जो है मतलब रुख्सती यहाँ पर जो है ना हो रही है। मतलब आप लोगों ने पिछली वीडियो पर बहुत सारी आवाम जो है ना, मतलब खवातीन ख़ास तौर पे अपनी रुखसती को याद करके या अपने पेरेंट्स को याद करके इमोशनल हो गई थी। और वाकई मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी ही वीडियो एडिट करते हुए और अपनी वीडियो अगेन देखते हुए ना इमोशनल हो गई थी। यहाँ तक कि जो है ना, मेरे घर में जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे थे तो वो सब लोग भी इमोशनल हो गए थे। तो बस ये एक रुखसती का जो है एक वो होता है ना, उसमें रोना आ ही जाता है। और जब रुखसती को हम लोग अगेन देखते हैं तो उसको पता नहीं क्या फील करके जो है ना, बस फिर से रोना आने लगता है। तो बस ये है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग साथ खैरियत से घर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अब जो है ना रस्में हमारी शुरू होनी है। सबसे पहली रस्म होती है ये जो है ना रस्ता रुकाई होती है, और ये मैंने भी की थी अपने भाई की शादी की दफ़ा में। अब जो है यहाँ पर रस्ता रुकाई हो रही है। हाथ रखे हैं दरवाजे पे, तो आ जाएंगे अंदर। कैसे क्या हो गया? क्या चाहिए? अरे भाई जाने दो यार, दोस्त से मोबाइल हटाओ, आप दोस्त मोबाइल हटाओ। ये दूसरा दीवार तोड़ के चले आए ना। अच्छा ये लो, ये पकड़ो। मोबाइल थोड़ा भाई पीछे कीजिएगा। तो इस रस्म को आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये तो खैर मुझे नहीं पता, आप लोगों की होती भी या नहीं होती है, लेकिन बस हमारे ये होता है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने के लिए, हम थोड़ी सी शोर शराबा करने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है इंसान, बस ये करने के लिए हम लोग जो है ना ये रस्मी आप दुनियावी रस्में हैं तो खैर वो करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये होता ही हुआ है कि जो है मतलब दुल्हन जब आती है फर्स्ट टाइम अपने रूम की तरफ घर में, तो उसका जो है रास्ता रोका जाता है। जब दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए तो वो तब भी रास्ता रुका होती है। एंड यहाँ पर जो है दुल्हन फर्स्ट टाइम आती है तब भी रस्ता रुकाई होती है। तो है जो है ना, फिर इस तरीके से रस्में खैर जो है ना चलती हैं। तो खुशी का मौका होता है, बस जो है ना मतलब थोड़ा सा डिमांड करते हैं कि चलो थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला हो, शोर हो, लेकिन जो खुशी होती है फिर मतलब अपनी खुशी से जो इंसान दे दे फिर वो जो है ना रख लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब शूट हो रहा था थोड़ा सा। इसके बाद जो है ना एक तशला लिया और उसके अंदर ठंडा पानी या कोई सा भी नॉर्मल पानी डालो और उसके अंदर ना बहुत सारे फूल डालो। उसके बाद जो है ना रिंग को घुमा दिया जाता है और फिर इसके बाद ये एक कंपटीशन कह लो कि दोनों में होता है कि कौन रिंग को ढूंढेगा। और अच्छा भाई, यहाँ पर काफ़ी सारा जो है ना शोर हो रहा होता है, कुछ जो है ना टीम बन जाती है जो दूल्हे के साइड होती है, कुछ ब्राइड के साइड होती है, और खूब आवाज़ें लग रही होती है, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है ना ये रस्म चल रही है। और इस रस्म को तो मैंने विन किया आपकी अंबर आपी ने, और ये बस एतफाक़ से यूँ हुआ कि मेरे हाथ लग गई रिंग और उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर हुआ भाई, बहुत जो है ना क्लैपिंग हो रही थी। अब यहाँ पर जो है ना एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाएगा और ख़ुशी का मौका है, तो बस आप लोगों ने भी दुआओं में याद रखना है और फिर हम जो है ना आगे की रस्मों को आप लोग भी इंजॉय करें और जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वही तो ऐसे करो।
मैंने फर्स्ट टाइम तो इन रस्मों का खैर कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ फ़ायदा ये ज़रूर है कि मतलब जो बेचारे दुल्हन बड़ी रो कर आती है ना रुखसती के टाइम, उसका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ हुआ होता है। जैसे कि मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो यहाँ पर जो रस्में हुई फिर हल्ला गुल्ला हुआ ना, तो इससे जो है ना मूड काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा हो जाता है। हाँ चलो सब लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं तो फिर जो है ना दिमाग जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा मूड अपसेट होता है रुखसती की वजह से। और ये सब जो है ना आप समझ सकते हो। अपना अपने तौर पे देखो भाई सब। मैं यार पानी भी तो पानी तो चलो ठंडा पूरी फूल नजर नहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता ये तो फूल। अरे मैंने डाली डाल दी उसके ऊपर पत्ती। दोनों फर्स्ट टाइम अच्छा जी, तो रसम जो है ना वो हो चुकी थी, इसके बाद हमारा फ़ोटोशूट हुआ और फैमिलीज मेंबर जो है ना सब लोग विशेस देते हैं, काफ़ी सारी दुआएं देते हैं। खैर आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और आप लोग दुआ में याद रखते भी हो। पिछली वीडियो पे आप लोगों ने जितने भी मुझे कमेंट्स किए थे मैंने सब पढ़े, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि लोग आप लोगों को बिना किसी उसके आपको दुआओं में याद रखें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है आजकल के वक्त में, आजकल के दौर में। मतलब हर कोई जो है ना बस क्या बोलो, तो ये है कि बस दुआओं में याद रखें। मुझे आपसे बस दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। और ये है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी से बेल आइकन दबा दें, जैसे ही वली में की और आगे मज़ीद वीडियोस जो अपलोड करूँगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है ना बस मुझे दीजिए इजाज़त। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जो है बस अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है ना आगे आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, और टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।